हे गाइस, हावड़ा से निकल पड़े हैं पुरुलिया के लिए और आ चुका हूँ ट्रेन पकड़ के। और पुरुलिया के बाद हमने लिया स्कॉर्पियो। ये रास्ते में एक छोटा मोटा गांव है, टोटल 32 गांव बताया गया मुझे कि पहाड़ पे 32 विलेज हैं छोटे छोटे करके। तो यहाँ घर देख लिए, बहुत कच्चा मकान है और आसपास जंगल है। हालांकि पहाड़ से नीचे की तरफ ही गाँव है, पहाड़ के ऊपर भी छोटे मोटे गाँव हैं। गाँव इन द सेंस आप देख सकते कैसे मैथिलिया और अलग अलग तरह के डिज़ाइन बने हुए हैं दीवारों पर, मिट्टी के ही घर है गाइस। और अगल बगल ना मतलब जानवरों का भी डर लगा रहता है, पर ये लोग पहाड़ पे रहने वाले लोग बहुत बहादुर होते हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि लोग अपने आप को कैसे बैलेंस किए हुए हैं। बहुत ही फ्रेश एयर का माहौल था और 5-6-10 घर मिलकर ही एक गाँव बन जाता है यहाँ पर, ऐसा ही था मैंने देखा। 15-20 गाँव तो मुझे दिखे एक्चुअली पहाड़ से चढ़ते टाइम। इलेक्ट्रिसिटी पोल वगैरह कुछ था नहीं, तो रात को आते वक्त बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस रहा। ये रहा ये वो पहाड़ है इसमें चढ़ने वाले हैं। देखिए रोड कैसे स्पाइरल है एकदम सा, अब वो घूम कर चक्री कर कर ऐसे। तो ये टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ लोग घूमने आते हैं, फ्रेश एयर लेने आते हैं गाइस। तो आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ साथ। इतनी सारी ग्रीनरी देख कर ना एकदम मन लगा कि अरे यार, शहरों में तो कितना पोल्यूशन है, यहाँ कितना मस्त है, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, मतलब मन आपको अच्छा लगेगा देखकर। गर्मी तो बहुत थी फिर भी मैं जैकेट पहना हुआ था और दिसंबर का महीना लग ही नहीं रहा था, पहाड़ पर इतनी गर्मी लग रही थी, पूरी धूप खिली हुई थी, तो फिर बाद में मैंने जैकेट उतार दिया। ये ऊपर एक मंदिर भी है, ये एक्चुअली अयोध्या हिल है, पुरुलिया में है, पुरुलिया वेस्ट बंगाल में, बता दूँ आपको इंडिया। तो ये बहुत ही स्लोपी और पहाड़ी एरिया है। देखिए कितना यहाँ से ऊपर से जो विजन है, जो एक साइट है, वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। चारों तरफ ग्रीनरी है, जंगल है, बस यही दिख रहा है। एक लोकल एक आदमी से मैंने पूछा, रात के टाइम यहाँ कोई नहीं आता है क्योंकि बहुत जंगली जानवर, हाथी, इवन ये लोग भी यहाँ चले आते हैं। तो ये टूरिस्ट प्लेस है, दिसंबर में भीड़ लगी रहती है, गर्मी के मौसम में यहाँ कोई नहीं आता है एक्चुअली। तो यहाँ पर देखिए दिसंबर में ही है, लोग जंगल से। यहाँ मैंने ना एक ये खाया कुकम्बर खीरा, तो खीरा मुझे सर्व किया गया यहाँ के पेड़ों की जो पत्ते होते हैं चौड़े चौड़े, उस पर सर्व किया गया। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है, प्लास्टिक वगैरह। ये देखिए वाटरफॉल कितना खूबसूरत, सोचिए जब से पृथ्वी बनी है तब से ये पानी बहा, सोचिए जब से पृथ्वी बनी है तब से ये पानी जो है बह रहा है, बहकर पता नहीं कहाँ जा रहा है, हालांकि सी में ही जा रहा है, नदी में मिल रहा है। और ये है मार्बल रॉक, यहाँ से ना मार्बल जो आपके घरों पर दुकानों पर जो मार्बल बिछते हैं यहाँ से निकाले जाते थे ब्रिटिश टाइम से ही। अभी फिलहाल यहाँ पर माइनिंग बंद है, तो चलिए थोड़ा आपको दिखाता हूँ इसका व्यू कैसा है। और ये लेक बन गया है एक, यहाँ से मार्बल बहुत सारा निकला था तो यहाँ लेक बन गया है। मैं थोड़ा इसके ऊपर भी गया पहाड़ के ऊपर, तो आपको दिखा दूँ ताकि यहाँ का सीन यहाँ से किस तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ से नज़ारा दोस्तों बहुत, हवा इतनी अच्छी चल रही थी, अब फ्रेश एयर, मतलब यहाँ पर एक अनुभव हो रहा था कि हाँ यहाँ पर एयर बहुत फ्रेश है। यहाँ एक वास्ट टावर बना हुआ था तो सारे टूरिस्ट लोग इसके ऊपर चढ़ रहे थे। हालांकि कोई टिकट वगैरह नहीं था यहाँ पे, टिकट वगैरह कोई ये नहीं था, बस गाड़ी जहाँ पर आपका लगा है वहाँ पर पार्किंग देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे हिल्स हैं यहाँ पे। इसके बाद मैं ये थोड़ा वाटरफॉल की तरफ, 3-4 वाटरफॉल थे वहाँ पे, हालांकि एक टूरिस्ट ने बताया कि नहीं 3-4 से ज़्यादा है, पर मैं ज़्यादा चढ़ नहीं पाया, बहुत 1-2 चढ़ने में तो हालत ख़राब हो जाती है गाइस, बहुत ज़्यादा कठिन है चढ़ना। और इतनी भीड़ थी दिसंबर के महीने में कि आप बहुत स्ट्रगल कर सकते हैं चढ़ने के लिए, थक जाते हैं। लेडीज़ तो चढ़ ही नहीं पा रही थी बहुत सारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लोपी था, और अगर आप घूमने जा रहे हैं तो घर के जो बुज़ुर्ग हैं उनको लेकर ना जाएं क्योंकि वो लोग चढ़ नहीं पाएंगे। और रही बात बच्चों की, तो उसको तो दूरी रखिए क्योंकि बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर था चढ़ना यहाँ पर, बहुत मुश्किल से लोग चढ़ रहे थे। और देखिए दिसंबर के महीना है और मैं जैकेट उतार दी हूँ कि बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत लोग तो नहाने लगे पानी देखकर, मैं नहाया वगैरह नहीं क्योंकि प्लान नहीं था यहाँ स्टे करने का, एक दिन के लिए अचानक मैं यहाँ पर आ गया, घूम कर वापस जाना था रिटर्न।
हालांकि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आप ट्रेन पकड़े हावड़ा से पुरलिया आए, पुरलिया से फिर आप गाड़ी लीजिए। ये देखिए डैम है, डैम यहाँ पर बनाया गया है, गवर्नमेंट ने बनाया है, सारा कुछ मेला लगा हुआ था नीचे की तरफ। तो फिर ऐसे ही ब्लॉग और छोटे मोटे ब्लॉग, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग के लिए बने रहे और शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू वेरी मच।